ओके एक्शन। सर हम अंदर आ जाएं। यस कम इन। सर हम बड़ी अबे हंसो नहीं ए चुप। सर मेरा नाम राम मलोठन बाबा है। बैठो तो बैठ जाए सर। सर ये कहना था सर, तो कहाँ से आया तू? सर हम आए गोरखपुर शहर से आए सर, वहाँ मेरे महाराज जन्म छोटा सर। वहाँ क्या चाहते हो? सर हम सोच रहे थे, हम बड़े बचपन से बहुत फिल्म देखे हैं सर, हम फिल्म में आ गए हैं सर, हमको बहुत अच्छा रोल करने का, हम सोचते कि हम हीरो बन जाएंगे। हम गांव में भी बहुत अच्छा नौटंकी करते थे, तो हम सोचे कि हम हीरो बन क्या क्या सोचते हो? क्यों सोचते हो कि हीरो बन सकते हो? क्योंकि क्या है हम तुम्हारे अंदर? क्योंकि हम जब भी नाटक करते थे लोगों को बहुत पसंद आता था, तो हम सोचे थे कि अगर हम इसी तरह नाटक करेंगे तो लोग हमको मेरी अदाकारी के लिए जाएंगे, जाने जाना चाहेंगे। तो इसीलिए मैं सोचा कि हमको अभी तक गांव से निकल कर आना चाहिए। नाटक किए अभी तक? हाँ किया है ना। किए? हाँ। कौन सा उसमें से सबसे अच्छा है? उसमें से जो सबसे अच्छा है वो था कि जुआरी का, जो जुआरी का, हाँ जुआरी का सर। तुम सोचते हो कि तुम जुआरी के रोल में सबसे फिट बैठोगे? नो सर, मैं ये नहीं सोचता कि केवल जुआरी के रोल, शराबी हुआ, पुलिस ऑफिसर हुआ, आशिक हुआ, मजनू हुआ, सारा जो रोल देंगे ना आप सर, हम सब में फिट बैठ जाएंगे। तो यूएसए के लड़के क्या को? कहते हैं? हाँ ये रहा एक बात वॉच करो। मेरी बात ना लीजिए सर, आवाज धीरे धीरे शहरी टोन में आ जा रहे हैं, समझे? ध्यान रखिए। एक्शन। हाँ तो यूएसए में तुम गए और वहाँ के एक लड़की को प्रपोज करना है, क्या हो सर? हम कर पाएंगे? कहीं नहीं कर पाएंगे, भले ही अपने देसी लैंग्वेज में करेंगे लेकिन करेंगे सर। करो, मान लो हम लड़की और हमको प्रपोज करना है, करो। ये सर लड़की हाँ तो बोल बोल। What are you saying, dude? I don't get you. सर वो लड़की नहीं है ना, हम आपको बता रहे हैं ना, लड़की होती तो पक्का रुक जाती सर, हम आपको बोल रहे। वो लड़की ही थी? लड़की नहीं थी, वो लड़की के रूप में लड़का था, हम पक्का बोले। हम जब नाटक किए हैं गांव में, क्योंकि पब्लिक को भागी नहीं है, ताली मारी है सिक्का देख के, हम सही बोल रहे हैं सरकार। हम बोल तो रहे जो गाँव में होता है, जो यहाँ चकाचौंध में होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझे? तुमको उसकी जरूरत है कि तुम दोनों के डिफरेंस को समझो। सर वो बिल्कुल इलिटरेट पीपल है जो की तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम उसमें खुश होते हो। एक टेक्नोलॉजिकल चीज को तुम्हें समझने की जरूरत है, और क्या तुम कर सकते हो सर? आप कितने हद तक तुम एक्टर बनना चाहते हो सर? क्या कर सकते हो तुम एक्टर? सर कलाकार की हद क्या होती है ये बताइए, आप बताइए आप कलाकार बनने जा रहे हैं। सर हद तो मेरे हिसाब से वही होती है जो आप दूसरों को उसके भाषाओं उसके रूप से समझा सके, वही होती है। दूसरों को उसके भाषा से समझाएंगे आप? हाँ। आपको अपने भाषा से समझाना है, आप जो जो कहना चाहते हैं ये एक एक्टर होता है। अपनी भाषा को उनके भाषा में समझाना। हाँ, ये एक्टर होता है। तभी मैं बोल रहा हूँ सरकार। अच्छा आप वो रोल करके दिखाइए, आप जो सबसे अच्छा रोल कर सकते हैं वो रोल करके दिखाइए, आप जो सोचते हैं आप इसमें सबसे अप्रोप्रिएट फिट बैठेंगे वो रोल आप। वो तो मैं पागल का रोल कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा है, पागल का रोल भी बहुत मिलता है मूवी में। सर हम करें करिए अरे क्या हुआ बाबा, इस सात कंबरी सारे सत्रह ऐसा निकला हमारे गांव का, क्या बताए, मर के रे झपड़ा मारे तो सर लेट जाए रे। सर कैसा लगा सर? ये पागल नहीं था ये? सर पागल नहीं था सर, पागल नहीं था ये कॉमेडी था। तो आप सर पागल है इस तरह ये हमको लगता है कि तुम पागल हो।
क्योंकि ये कॉमेडी था सर, पागल ये नहीं होता है। पागल क्या, तुम पागल को कैसे डिफाइन करो? कलाकार होता है, सामने वाले तो अपनी भाषा, पहले सामने वाले की बात सुनना सीखो तब तुम एक्टर बनोगे। पागल को तुम क्या डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो? पागलपंती जो अपनी हद मार जाने वो पागल, तुम हद अपनी पार कर रहे थे, पार तो कर दिया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे रगो रगो में वो एक्टर का खून हो, एक्टर का खून हो, एक्टर भरा हो तुम्हारे रगो रगो में। एक पागलपन होना चाहिए एक्टर बनने के लिए। सर एक्टर नहीं भर सकता। तुम क्रॉस क्वेश्चन बहुत करते हो सर, क्या ये तुम्हें ऊपर लेके, अरे मतलब हां तुम्हारे रगो में तो भैंसिया का दूध है। चलो चलो